हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियर्स व्यूअर्स एंड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है स्पेरिकल डोम स्लैब कंक्रीट कैलकुलेशन, यानी कि स्पेरिकल डोम स्लैब होती है उसकी क्वांटिटी हमें उसके अंदर कंक्रीट कितनी रिक्वायर्ड है कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं तो इस बारे में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हर एक नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक की ओर। यहाँ पे मैंने एक डोम स्लैब का ये फिगर मैंने लिया हुआ है एग्जांपल की ओर पे, जैसे कि ये होता है, आप देखे ही होंगे, ये हाफ मतलब कि गोला होती है, हाफ गोला साइड जैसी होती है ये, मतलब कि ऐसे इसकी मतलब बनावट होती है, ये आपने देखा होगा जहाँ भी आपने डोम स्लैब देखा होगा। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ फिगर की मतलब साइज और क्वान्टिटी के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसका मतलब कि जो फिगर मैंने आपको भी दिखाया है उसके मतलब कि लेआउट ये सेक्शन मैंने यहाँ पे खींचा हुआ है, ठीक है। तो उसकी जो मेन डाया कितनी है 16 फीट है, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक की ये लेंथ कितनी है 16 फीट है, ठीक, इसकी डाया जो है, ठीक। और इसकी रेडियस कितनी है 8 फीट है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंटरनल रेडियस, ठीक, ये हो गई। और हाइट कितनी है इंटरनल 8 फीट ये हाइट, ठीक। और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है 6 इंच, ये थिकनेस ये वाली मोटाई यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और इसकी जो एक्सटर्नल रेडियस है, एक्सटर्नल रेडियस मतलब आप यहाँ से लेके ये मिड पॉइंट से ये आउट वाले पॉइंट, यानी कि ये आउट वाला इधर वाला है, यानी कि इस मिड से इस आउट तक के पॉइंट को क्या कहते हैं हम एक्सटर्नल रेडियस, वो कितनी हमारी 8.5 फिट, ठीक, 8.5 फिट है ये, कैपिटल आर से इसको मैंने दिखाया है, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये लेंथ हो गई, ठीक। अब आते हैं हमें कैलकुलेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल फॉर डोम स्लैब मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अब हमारी एक्सटर्नल ऑफ सेमी स्पेयर कितनी है, ठीक, वो कितनी थी कैपिटल आर 8.5 फीट, ये यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया हुआ है, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंटरनल स्मॉल आर, ठीक, इंटरनल जो हम लेंगे स्मॉल आर से ले रहे हैं, ठीक, ऑफ सेमी स्पेयर तो कितनी है 8 फीट, ये यहाँ पे मैंने नोट कर लिया, यहाँ मैंने ये मेंशन किया, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। हाइट ऑफ सेमी स्पेयर, हाइट ऑफ सेमी स्पेयर कितनी है ये 8 फीट मैंने बताया, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक की हाइट को हम क्या कहेंगे हाइट ऑफ सेमी स्पेयर, ठीक, ये होगी 8 फीट। उसके बाद थिकनेस ऑफ स्पेयर 0.5 फीट, यहाँ पे हमने जो ये लिया है किसमें ये 6 इंच है, इसको फीट में हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 फीट। तो यहाँ पे हमने क्यों क्या लिया हुआ 0.5 फीट, ठीक है, कन्वर्जन की वजह से, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट की ओर, वैल्यूम ऑफ सेमी स्पेयर, वैल्यूम पता चल जाएगा तो कंक्रीट रिक्वायर्ड भी उतनी होती है, ठीक। तो वैल्यूम ऑफ सेमी स्पेयर का हमारा फार्मूला क्या होता है 2/3 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर, क्या था एक्सटर्नल, ठीक, एक्सटर्नल रेडियस जो हमारी होगी सेमी स्पेयर की, ठीक, आर माइनस स्मॉल आर, स्मॉल आर हमें क्या था इंटरनल सेमी स्पेयर, ठीक, वो इन दोनों का होल स्क्वायर, ठीक, इंटू हाइट, हाइट ये वाली, ठीक। ये हमारा फार्मूला हो गया, ये फार्मूला रहेगा तो हम कैलकुलेशन ईजी वे में कर लेंगे, ठीक। तो अब आते हैं वैल्यू रख लेते हैं सारे फार्मूले में, 2/3 ये, ठीक, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142, ठीक, ये हो गई। इसके बाद कैपिटल आर की वैल्यू हमारी कितनी थी 8.5 फीट, तो यहाँ पे 8.5 हो गया, इसका होल स्क्वायर कर लिया, क्योंकि इसके होल स्क्वायर से मतलब कि कैपिटल आर के स्मॉल आर से कैपिटल मतलब कि घटा देंगे, कैपिटल आर से स्मॉल आर घटा देंगे तो हमारा जो मतलब कि मेन इसकी जो लेंथ आएगी वो हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक। और स्मॉल आर हमारा कितना था 8 फीट ये यहाँ पे, ठीक, तो 8 फीट इसको स्क्वायर कर दिया इंटू 8 क्या दिया हमारा हाइट ये यहाँ पर, ठीक। तो सारी वैल्यू हमने रख ली, अब इसको हमें कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन हम क्या करेंगे पार्टली करेंगे, इससे मतलब कि हमारी कैलकुलेशन हमारी गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं 2/3, अभी हमने इसको नहीं किया सॉल्व, 3.142, ठीक, इंटू इसको हमने कर लिया, इसका स्क्वायर सॉल्व कर लिया तो 72.25, ठीक, माइनस 8 के स्क्वायर कर लेंगे 64, ठीक, ब्रैकेट 1 इंटू 8 ये हो गया। अब इनको हम पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे, पहले इसको घटा लेंगे जो आएगा उसका भी आपस में तीनों मल्टीप्लाई और 2/3 से डिवाइड करके इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी वैल्यू आएगी। तो हमारी डोम कंक्रीट हमारी कितनी आ गई 138.24 क्यूबिक फिट, यानी कि हमारी जो कंक्रीट रिक्वायर्ड होगी एक इतने बड़े स्पेरिकल डोम स्लैब के लिए क्या होगी वो 138.24 क्यूब फिट, ठीक। तो ये हमारा डोम स्लैब के कंक्रीट रिक्वायर्ड निकल गया, ठीक, ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। अब बहुत से लोग मतलब कि पूछते हैं सर इसमें मतलब कि जो ये हमारी ऑट
आउटर सरफेक्स होगी ठीक बाहरी वाली, उस पर प्लास्टर कितना हमारा लगेगा, या इंटरनल जो होगा हमारा उसमें कितना प्लास्टर लगेगा, प्लास्टर एरिया निकालने के लिए क्या हमारा तरीका, तो मैं आपको बताऊँ। एरिया ऑफ सेमी स्पेयर यानी एरिया इसका जो हम निकाल लेंगे वही हमारा रिक्वायर्ड होगा, तो उसका हमारा सीधा फार्मूला 3 × π × रेडियस का स्क्वायर, यानी अगर आउट का लेंगे यानी कि एक्सटर्नल का लेंगे ठीक बाहरी वाले सतह का, तो यहाँ पे हम बाहरी वाली सतह का जो भी हमारा रेडियस होगा, जैसे यहाँ कैपिटल आर की जो वैल्यू हमारी 8.5, तो यहाँ पे 8.5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारे बाहर साइड की यानी इस पॉइंट से ये बाहर की ओर से जो भी प्लास्टर रिक्वायर्ड होगा वो हमें मिल जाएगा ठीक। और अगर हमें यानी इंटरनल अंदर जो प्लास्टर करना है तो हम 8 फीट यानी ये स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे ठीक रेडियस में, तो ये हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा, इससे हमें निकल जाएगा मतलब प्लास्टर या जो भी हमें निकालना चाहे तो आराम से हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हर एक नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रही। थैंक यू सो मच।